लेफ्ट में सर इधर लेफ्ट में सर सामने थोड़ा सा हाँ थैंक यू। ओके, इसके अलावा ये नई शुरुआत क्या है जिसके बारे में बताइए? ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे। प्रियांग भैया, यू नो ही इज़ अ फॉर्मिडेबल नेम इन दिस इंडस्ट्री F&B, और मैं 5 साल पहले भैया से मिला था, एंड तब से ही हमारी प्लानिंग थी कि यार कुछ करें। और फाइनली आई थिंक जब हमें जगह मिल गई, लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमें पता था जैसा हमें एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए जैसी हमें जगह चाहिए वो फाइनली अपने को मिल गई है, और फिर अब शुरुआत कर दी है भगवान का नाम लेके। हाँ, बस यही था कि काफ़ी टाइम से चल रहा था इसको, एंड वी गॉट अ प्लेस, वी वांटेड समथिंग, अब कोई बड़ी जगह जिसकी हाइट्स बहुत अच्छी हों, जहाँ वो पूरा एक एक्सपीरियंस आए, एक पूरा इट्स जो आपको फील आए उस जगह में, वो शायद अभी तक इंडिया में ऐसी जगह नहीं है। और जिस तरीके से बना रहे हैं, जिस ग्लैमर से उसको बना रहे हैं, और उसमें इसका इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है, एवरी डिटेल ही इज़ गॉन टू, कि ये मतलब एक एक दीवार पे ये कैसी होनी चाहिए, बार कहाँ होनी चाहिए, कंसोल कहाँ होना चाहिए, उसकी जो खाना कैसा होना चाहिए, सो इसका बहुत उसमें इनपुट रहा है, एंड इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पर्सनैलिटी ड्रैगन फ्लाई विच यू विल ऑल सी। ओके, बादशाह नाम भी काफ़ी अलग है, इसके बारे में बताइए और क्या क्या, मतलब जैसे सर ने बोला कि दीवारों से लेकर हर चीज़ पर काफ़ी डिटेलिंग करी जा रही है, काफ़ी काम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, नाम और काम दोनों ही अलग होगा तो चलेगा, क्योंकि नहीं तो फिर चलेगा ही नहीं। लेकिन नाम काम अलग ही नहीं रखना था, एक नाम का ड्रैगन फ्लाई, क्योंकि पैन एशियन है हमारा मेनली कुजीन है, तो ड्रैगन फ्लाई उधर का थोड़ा जो ना ईस्टर्न और ओरिएंटल वाली फील देता है। बट देन अगेन, लोगो और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है। इस पर हमारा काफ़ी टाइम गया, नाम पे बड़ा टाइम, हमने 2-3 नाम सोचे, बहुत सारे नाम नहीं लेंगे, वो जो सोचे थे वो भी बड़े अच्छे थे, वो भी खोलने हैं लेकिन ड्रैगन फ्लाई बहुत बढ़िया नाम था, और द होल द कंसेप्ट जो है अभी खुल जाएगा 30-40 दिन में, आप लोग वहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना बादशाह आपके गाने पे तो सब लोग थिरकते हैं, लेकिन आप किसी गाने पे थिरकते हैं? कैसा है दूर, मैं किसके गानों पे थिरकता हूँ आजकल? तो यार मैं 90s के गाने बहुत सुन रहा हूँ, कुमार शानू जितने रहे हैं उनके गाने बहुत सुन रहा हूँ, थिरकता तो सुंदरा सुंदरा शहर की लड़की, डांस करते हो फुल ऑन, जिम की स्टोरीज देखा करो, डांस ही चल रहा होता है। सर आप पुणे में भी शो करने जा रहे हो, तो उसके बारे में कितनी तैयारी हो रही है उसके लिए? पुणे यार बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें विशाल शेखर सर भी हैं, फरहान अख्तर भी हैं, और मीका भाजी भी हैं, तैयारी है जोरों शोरों से, काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है पुणे में, तो चल रही है, वी आर रियली एक्साइटेड। बस हम पहली बार परफॉर्म करेंगे कहीं भी, एक्चुअली बस हमने रिलीज़ होने से पहले पुणे में परफॉर्म किया था, बड़ा सही रिस्पांस आया था, तो आई थिंक वो जगह लकी है। एक और नया गाना हम परफॉर्म करेंगे पुणे में, सो पुणे हैज़ बीन वेरी लकी फॉर अस, एंड वी पुणे में भी खोलना है हमने, बिल्कुल ड्रैगन फ्लाई। ओके बादशाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है, कितना भार बढ़ जाता है जब जो गाते हैं आप वो सब हिट हो जाता है, तो अगले गाने के लिए कितनी मेहनत और प्रिपरेशन और करना पड़ता है? बहुत यार, लाइक सवाल तो बड़ा सही है, लेकिन इसका आंसर यही है कि यार आई थिंक यू, अगर जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने आर्ट के साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अच्छा गाना निकाल रहे हो या किस लेवल का, आप क्या आपका 100% एफर्ट है, तो अगर वो है तो फिर आप ये भूल जाओ कि चलेगा या नहीं चलेगा, आपका एफर्ट पूरा होना चाहिए। ओके, जिस तरीके से आपने कहा कि आजकल आप 90s के गाने बहुत सुन रहे हैं, तो 90s के और रीमेक कुछ ऐसे बनाएंगे आप जिस तरीके से आपने बनाएंगे बाकी? हाँ यार, मतलब रीमेक से ना थोड़ा सा दूर हटने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल काफ़ी काम किया है मैंने अभी, तो मेरी कोशिश है ओरिजिनल गाने निकालने की। तो बज़ है, अब नेक्स्ट सिंगल आ रहा है मेरा 17 मई को आ रहा है, और उसके बाद जून में है, तो काफ़ी ओरिजिनल आ रहा है। रीमेक्स का ये यार, मैं रीमेक्स समझता हूँ कि लोग रीमेक्स क्यों बनाना चाहते हैं, बिकॉज एक प्रोड्यूसर हैं जो अपनी फिल्म पे इतना पैसा लगाते हैं, सो दे वॉन्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, यार ये मेरा ये पहले से एक हिट है, इसको हम रीमेक करेंगे तो यू नो इट इज़ गारंटेड, एक छोटी सी गारंटी मिल जाती है ये चलेगा, और वो फिर वो मैं समझता हूँ। बट देन अगेन ना, एज अ म्यूजिशियन मुझे लगता है कि बहुत हो गया रीमेक, अब थोड़ा सा ओरिजिनल पे ध्यान दिया जाए। ओके, 17 मई का जैसे आपने बताया, तो उसके अलावा 17 मई को क्या रिलीज होने वाला है, कौन से गाने? गाने का नाम अभी रखा ही नहीं है, गाने का नाम अभी रखा नहीं है, लेकिन वो बीरे दी वेडिंग के लिए एक गाना किया मैंने, तरीफा, वो आ जाएगा मेरे ख्याल से, अब मुझे पता नहीं है, रिया के साथ डेट कन्फर्म हुई नहीं है, बट ट्रेलर को इतना
तगड़ा रिस्पांस मिला है, तो गाना आ जाएगा, हफ्ते के अंदर गाना भी आ जाएगा। दो दिन पहले ऐसे एक टीजर लॉन्च हुआ है संजय दत्त की बायोपिक का, तो उसके बारे में आपने देखा, कैसा लगा? अरे बहुत ही खतरनाक है, मतलब मैं रणबीर कपूर ने मतलब आग लगा दी, मतलब लगी नहीं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब बहुत ही सही परफॉर्मेंस है। और मतलब मेरे को ये था कि क्या होएगा, मैंने जब फर्स्ट लुक देखी थी और मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को गर्मी आ गई सिर पे, मतलब रणबीर कपूर आई लव यू, यू आर एन अमेजिंग अमेजिंग एक्टर, एंड बस यार मज़ा ही आ गया। आपने संजय की कोई मूवी देखी है पास्ट में, कोई जो आपको दिल के करीब हो, एकदम करीब हो? खलनायक देखी है मैंने, सारी देखी है मैंने, सड़क, कारतूस, आतिश, खलनायक, वास्तव, बड़ी सारी देखी है। हाल ही में एक साथ जो केस पेंडिंग था, आखिरकार उसका जजमेंट आ गया है, आशाराम जी बापू उनको दोषी करार दिया गया है, तो आपका क्या टेक है उस बारे में, क्या सही है या कुछ? जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, जो उन्होंने आई थिंक जो उनका डिसीजन है वो फाइनल है, आई मीन मैं क्या फील करता हूँ ये मैटर ही नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है जो जुडिशल सिस्टम है, जो उनका डिसीजन है, आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके बादशाह, हाल ही में सरोज खान जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कास्टिंग काउच के ऊपर कि इंडस्ट्री में अब भी कास्टिंग काउच कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे पता नहीं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया या नहीं, मेरे को आपसे पता चल रहा है, बट पता नहीं यार, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ वो नहीं हुआ, बट आई डोंट नो व्हाट टू से, आई मीन इट्स अनफॉर्चुनेट इफ सच अ थिंग यू नो हैपेंस, बट आई एम श्योर यू नो आई थिंक जो इंडस्ट्री में लोग हैं, आई थिंक सब बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, एंड सबको अपने काम की सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, एंड आई थिंक यू नो वो प्रायोरिटी पे अपने काम ही रखेंगे, एंड यू नो टैलेंट ही रखा जाएगा प्रायोरिटी पे, बट इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई डोंट थिंक ऐसा, मैं क्या बोलूँगा, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ, मैं तो बढ़िया हूँ। सर आप यहाँ हो तो दो गाने लाइन। ओके ओके ओके, अमाना तू है से, जहाँ से होना चाहिए वहीं है, मैं भूल गया, वहीं से है, अरे न नजरों में आ न मुझको तो दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा, लिख ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ, लौंडा टू मच, बोली में थोड़ा रे आन भी टच, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में, वो सारे सच टोपी का भी सच। थैंक यू, थैंक यू।